गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, तो मस्त होंगे। तो स्वागत है आज की हमारी मनीषा इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज देखिए आप लोग हम क्या बना रहे हैं घर में, क्योंकि बहुत ही ठंड था, तो इसलिए ऐसी ठंड के मौसम में तो मतलब मार्केट की चीज खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि बर्गर, मोमोज, चाउमीन और पिज्जा वगैरह, जो पिज्जा वगैरह जो खाने में, पकौड़े वगैरह खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड के मौसम में तो बहुत ही चटपटाई खाने में अच्छा लगता है। तो आज देखिए हम घर में ही, मेरा मन किया तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पत्ता गोभी का बना रहे हैं। देखिए आज हम मोमोज बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे, और मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी पहले ही, क्योंकि सुबह ही बना के रख दिए थे। देखिए कितना लाजवाब चटनी लग रहा है दिखने में, खट्टा खट्टा मस्त है, बहुत ही ज्यादा तीखा तीखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिए नहीं है, क्योंकि टमाटर और मिर्च, सूखा हुआ मिर्च और आदी और लहसुन दिए हैं, क्योंकि उसमें मतलब टेस्ट अच्छा आता है चटनी का। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये पत्ता गोभी हो गया है, क्योंकि अभी बहुत गर्म था तो इसलिए भरेंगे नहीं इसमें अभी, क्योंकि आटा देख सकते हैं यहाँ पे गूंद के हम रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा देर फूलने के लिए छोड़ दिए थे। बहुत अच्छा हो गया है देखिए, तो आप लोग आज के ब्लॉग में बने रहिए, आज के ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होगा, और आप लोग हमारे ब्लॉग में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे ब्लॉग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि दिखा रहे हैं अभी, देखिए है। अपना पिया जी के रूप देखिए, क्योंकि गैस मोमोज बनाने वाला हमारे पास है नहीं, तो ये छन्नी में ही हम मोमोज को उबालेंगे, किस पे रख के हम उबालेंगे, और क्योंकि यहाँ जो है ये वाले पतीला पैसे रख देंगे, और ऊपर से इसको ऊपर मतलब ऐसे रख के ऊपर से ढक देंगे, हाँ तो ये उबल जाएगा, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। मन जो अपना मन होता है, किसी को फ्राई खाने का फ्राई खाते हैं, किसी को मन होता है उबला खाने उबला खाते, क्योंकि हम लोगों को फ्राई अच्छा लगता है, मुझे उबला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो आइए हम आटा को यहाँ पे हल्का मिला लेते हैं, तो इसमें आटा बिखरा दिए हैं। तो इसे चिकना कर लेते हैं, क्योंकि लोई बनाने में ये फटे ना, अच्छा लगेगा इसमें। साजन तुझ पे क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये देखिए। अब इसको लोई बनाएंगे, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा सा लोई बनाएंगे। दिखाते हैं आप लोगों को भी,
अब इसको हम कट कर लेंगे तो छोटे छोटे पीस में। इसी तरह हम सबको लोई कर लिए हैं। देखिए तो वही गाइस, देखिए अभी हम यहाँ पे भर लिए हैं मोमोज को, एक कर लिए फिर सब एक बेल रहे हैं, क्योंकि अभी आप दिखाते हैं अभी हम क्या चीज़ से उसको बेलते हैं। मतलब आप लोग को कभी आप लोग किए होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्योंकि हमारा बेलना ले गया है मेरा भाई, तभी देखिए हम यहाँ किससे कर रहे हैं, होता भी नहीं है। फिर भी एक बना लिए हैं, ये दूसरा वाला है। देखिए आप लोग किए होंगे गिलास से अगर कुछ भी मतलब पूरी उड़ी बनाए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसे किए हैं। आज देखिए हम कैसे कर रहे हैं। कितना मैं गोल गोल पूरियां बना लिए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे बनाए हैं क्लास से। क्या आप लोग बनाए होंगे तो अब मैं इसमें भरूंगी। अब इसको हम पैक कर देंगे। दो मोमोज देखिए, अब वो देखिए 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 कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। तो गाइस मेरा बिनना आ गया है तो मैं वही देखिए अभी से बना रही हूँ, क्योंकि गाइस मार्केट में तो 10 की 4 ही देते हैं मोमोज खाने में भी, छोटा छोटा इतनी छोटी छोटी से रहती है। आज हम देखे कितनी बड़ी बड़ी बनाए हैं, आप लोग आइए 10 की बहुत ज़्यादा देंगे सॉरी क्योंकि मजाक किए हैं आप लोग से। आप लोग आइए, आप लोग को भी बना के खिलाएंगे और बताइएगा कैसी बनी है हमारी मोमोज। अभी फिलहाल अभी देखिए वहाँ पर रखते हैं बेल के, और मतलब स्टफ भरेंगे बाद में, पहले यहाँ के पूरा कर लेते हैं सबको। क्योंकि मार्केट में तो छोटी छोटी सी रहती है और मतलब उसमें जो है सोयाबीन का जो मूस रहता है उसमें ज़्यादा रहता है, अभी नहीं है भरा हुआ, थोड़ी सी रहती, इतनी छोटी छोटी सी रहती है, अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। फिर भी क्या करेगा आदमी, खाई तो खाएगा ही क्योंकि वो चटपटा लगता है खाने में तो खाता ही है। तो आज मेरा मन किया घर में ही चटपटा बनाने का, तो आज मैं बना के खाती हूँ। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खिलाएंगे। क्योंकि गाइस आप लोग सोचते होंगे गाना क्यों गाती है, मुझे आदत है तो भी गुनगुनाने का, मैं कोई भी काम करती रहती हूँ तो
तब कोई भी काम करती हूँ ना, मैं कोई भी काम करती हूँ ज्यादा गुनगुनाती हूँ। सही गाइस, देख सकते हैं हमारा मोमो चटनी बन गया है, आइए आप लोग खाइए, वहाँ देख सकते हैं सभी बैठ के खा रहे हैं। ओ हेलो तो गाइस मेरा हो गया है, इधर है मतलब चटनी है, इधर है, इधर उबाला हुआ रखा हुआ है, या प्राण है या होश है। मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो फॉलो कीजिए, फॉलो।